हजूवार मस्जिदों में, इश्क मुस्तफ़ा की लाइब्रेरियों में, दुकानों घरों में एक पत्थर की तस्वीर आपको मिलेगी। वो पत्थर जिस पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़िया मेराज की रात बैतुल मुकद्दस में जलवा अफरोज़ हुए थे। जब पत्थर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नालायन मुबारक उठाया और आसमान की तरफ जाना चाहा, तो वह पत्थर भी ज़मीन से उठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आसमान की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि उस पत्थर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत थी कि उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदाई बर्दाश्त ना की। उसकी इस मोहब्बत को देखकर ताजदार मदीना ने पत्थर को इशारा किया कि ठहर जाओ। चुनाचा ये पत्थर इश्क मुस्तफ़ा की तस्वीर बनकर अपने आका के हुक्म पर उसी वक्त रुक गया। आज भी ये पत्थर इश्क मुस्तफ़ा की दास्तान दिखाने के लिए मौजूद है। ये पत्थर ना ज़मीन पे है ना आसमान पे है, बल्कि ज़मीन से ज़रा ऊपर खला में मुतालिक है। इस मुतालिक पत्थर कहते हैं, इस पत्थर के मुतालिक कहते हैं कि ये बैतुल मुकद्दस फ़लस्तीन में है। इस जो है ना, इसे मेराज भी कहते हैं। सारी दुनिया खुद हिजरे असवद की तरह जाती है और उसका भोसा लेने के लिए तरसती रहती है, लेकिन हिजरे असवद की मोहब्बत का यह आलम कि खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहा है और इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प ले के चेहरा अनवर से चिमट जाता है। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, वो सामने पहाड़ है, उसमें एक पत्थर दुरूद सलाम पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह, पत्थरों की कितनी मोहब्बत है। देखना यह है आराम के मकानों से निकलकर बे आराम होना पड़ेगा, तो फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म सजा का इंतज़ार करो। जो इस तन आसानी और दुनिया तलबी पर आने वाला है, जो लोग मुशरिकीन के मवालात या दुनियावी ख्वाहिशात में फंस कर अहकाम इलाहिया की तामील ना करें, उनको हकीकी कामयाबी का रास्ता नहीं मिल सकता। हदीस में है कि जब तुम बीलों के दम पकड़कर खेती बाड़ी पर राजी हो जाओगे और जिहाद छोड़ बैठोगे, तो अल्लाह ताला तुम पर ऐसी जिल्लत मुसल्लत कर देगा जिससे कभी निकल ना सकोगे, यहाँ तक कि फिर अपने दीन जिहाद फी सबीलिल्लाह की तरफ लौट कर आओ। तो भाइयों, इस हदीस मुबारक के अंदर हमें ये मिला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, ये सिर्फ पत्थरों को भी रसूल अकरम से मोहब्बत थी। नबी के यारों में सबसे पहला जो यार है, जो मुशरिकीन मक्का का बच्चा नबी अनवर का दुश्मन था, उस वक्त भी जो आज सल्लम के हाथ में हाथ दिए हुए थे, उनका नाम सिद्दीक अकबर था। आज सल्लम सारे सहाबा शान वाले हैं, लोगों सारे सहाबा शान वाले हैं, लेकिन नबी का पहला यार सिद्दीक है। सारे सहाबा शान वाले हैं, लेकिन आज सल्लम को अपने कंधे पर उठाकर गार तक ले जाने वाले सिद्दीक हैं। सारे सहाबा शान वाले हैं, लेकिन नबी पाक को अपनी छोटी मासूम बच्ची निकाह में देने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। सारे सहाबा शान वाले हैं, लेकिन पहले कलमा पढ़ने वाले सिद्दीक अकबर हैं। लोगों, सहाबा सारे शान वाले हैं, लेकिन कल क्यामत के दिन जब अल्लाह पाक गुस्से में होंगे, आका सिद्दीक को आगे करेंगे, अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, वो सिद्दीक हैं। लोगों, सहाबा सारे शान वाले हैं, लेकिन मुर्रू अबा बकर फल युसल्ली बिन नास का तमगा हासिल करने वाले सिद्दीक हैं। हाँ, कौन? नबी के यार हजरत अबू बकर सिद्दीक की मिसालें तो हमने दे दी हैं। हजरत उमर बिन ख़त्ताब वो हैं जिनके बारे में आका ने फरमाया, उमर, जिस रास्ते से तू जाता है, शैतान वो रास्ते छोड़ देता है। उस्मान तो वो है जिनके बारे में आका ने फरमाया, मेरे इस उस्मान से तो अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। अली और मुर्तज़ा तो वो हैं जिनके रोब दबदबे का यह आलम था, किसी काफिर में उनके सामने खड़े होने की हिम्मत ना थी। हसन हुसैन तो वो हैं जिन्होंने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की दीन की खातिर अपनी गर्दनें कटवाईं, अपना कुंबा कबीला ज़िबा कर दिया, लेकिन नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की दीन इस्लाम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। तो हम भी हुसैनी हैं। हुसैन का पैगाम, हुसैन का मैसेज ये काले कपड़े पहनना नहीं है, घोड़े के ऊपर सवार होना या सबील तकसीम करना नहीं है। हुसैन का मैसेज लोगों ने समझा नहीं है। हुसैन का मैसेज है कुरान से जारी लगाना। हुसैन का पैगाम है अल्लाह की नमाज को न छोड़ना। हजरत हुसैन से किसी ने पूछा, करबला में हजरत आप यहाँ तलवारों के साए के नीचे यहाँ भी कुरान पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने बड़ा अजीब जवाब दिया कि मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ताइफ में पत्थर खाते वक्त भी कुरान करीम की तिलावत की। मेरी नानी खदीजतुल कुबरा आसम को मरहम पट्टी करते वक्त कुरान करीम की तिलावत करती थी। मेरे बाबा हजरत अली ने खैबर को तोड़ते वक्त कुरान करीम की तिलावत की। मेरे बड़े भाई हजरत हसन ने तख्त बादशाहत के ऊपर बैठकर भी कुरान करीम की तिलावत की। मैं हुसैन आज इन तलवारों के साए के नीचे भी कुरान सुनाऊंगा। तो हुसैन का मैसेज भी यही है कि नमाज को नहीं छोड़ना, कुरान को नहीं छोड़ना। लोगों ने गलत समझ लिया हुसैन का मैसेज, काले कपड़े पहन लेना और जनाब क्या नाम है, सबील तकसीम कर देना, घोड़े के ऊपर सवार हो जाना, मातम करना, छुरियाँ मारना, ये हुसैन का मैसेज नहीं है। और अल्लाह का मैसेज भी
ये नहीं है जो गलत काम की तरफ लगे हुए। अल्लाह का मैसेज भी यही है, सारी रात अल्लाह पाक कहते तुम सुकून के साथ सो जाओ, लेकिन सुबह को क्या करना है, अल्लाह का नुमाइंदा पहले पहले कहते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अब नींद से बेहतर जो है वो नमाज है। तो आप का मैसेज क्या है, रसूल अकरम का भी मैसेज यही है। आखिरी वक्त में आप जब दुनिया से जा रहे थे, आप ये दो नसीहतें करके गए। पहली नसीहत ये थी, जो तुम्हारे माताहत हैं, ग़ुलाम हैं यार, उनका ख्याल करना, जो तुम्हारे अंडर हैं, बच्चे हैं, अगर बाप घर का बड़ा है उनके नीचे बच्चे हैं, जितने भी अफराद हैं, आप ने उनके मुतालिक फरमाया उनका ख्याल करना, उनके देखभाल करना। दूसरी नसीहत ये की कि असलात असलात मेरी उम्मत, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। तो अल्लाह पाक तौफीक अमल नसीब फरमाए।